अमेजोन प्राइम पर नवंबर 2018 में एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर। इसके टोटल 9 एपिसोड और हर एक एपिसोड लगभग 40 मिनट का है। फर्स्ट वाला सीजन तो बहुत खास था और उसके सक्सेस के बाद अब 23 अक्टूबर को उसका सेकंड सीजन आने वाला है और इसके लिए बहुत जोर से प्रमोशन की तैयारी शुरू हो गई है। जितना गर्लफ्रेंड के कॉल का इंतजार नहीं किया जाता है उससे भी कई गुना ज़्यादा सेकंड सीजन का इंतजार हो रहा है। फर्स्ट वाला सीजन तो सक्सेस था लेकिन सेकंड सीजन से ज़्यादा उम्मीद मत रखना क्योंकि इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं। बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड की दुनिया में मैक्सिमम टाइम सेकंड सीजन की हालत आप सभी ने देखी होगी। जैसे कि सेक्रेड गेम का सेकंड सीजन बहुत ज़्यादा उम्मीद थी भाई उससे। मुझे तो ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन दिखाया जाता है कि जैसे हमें अब लगता है कि ये सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा, जैसा शाओ के वक्त हुआ था। ऐसा होता है प्रमोशन का हाल। लोगों के अंदर सेकंड सीजन के लिए बहुत बड़ा क्रेज है और इसीलिए अमेजन प्राइम वालों ने डेट अनाउंसमेंट के लिए स्पेशल एक डेट रखी थी। मिर्जापुर के सेकंड सीजन से भी बहुत बड़ी उम्मीद है। देखते हैं क्या वो अपनी उम्मीद पर खरी ठहरती है। आपको कितनी उम्मीद है ये आप मुझे कमेंट के द्वारा बताओ। मैं तो बहुत एक्साइट हूँ। फर्स्ट वाले सीजन में तो सभी ने तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी। कालीन भैया, मुन्ना भाई, बबलू भैया और भी कैरेक्टर है जिन्होंने बहुत अच्छी सी एक्टिंग की थी। सभी ने बड़े जोर से दिमाग को असर कर दिया था। हमारे साथ क्या होता है, हम बड़े उम्मीद से किसी का इंतज़ार करते हैं लेकिन वो भी उसी तरह से आना चाहिए और अपना टैलेंट कंटेंट दिखाना चाहिए, नहीं तो उसे हम बहुत खपा हो जाते हैं। लेकिन इस पर एक सोल्यूशन है। अभी सेकंड सीजन को आने में 2 महीने टाइम है तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। सेकंड सीजन अच्छा होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं और होना भी चाहिए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा तो क्या करोगे। इसी वजह से ज़्यादा उम्मीद रखना ही नहीं, जब रिलीज़ होगा तब देखा जाएगा। सीरीज़ के एक्टर पर कोई डाउट नहीं क्योंकि उनकी दमदार एक्टिंग की वजह से ही फर्स्ट वाला सीज़न हिट हुआ था। उसी तरह से कंटेंट भी मायने रखता है, नहीं तो लोगों की एक्साइटमेंट देखकर जल्दी से कुछ भी बनाकर परोस देना बहुत सारे प्रोड्यूसर की यही खूबी है। और उसके बाद उसे कितनी भी गालियाँ पड़े उन्हें कोई भी उससे मतलब नहीं होता है क्योंकि उनसे उसका मतलब तो बन चुका होता है और बहुत सारा पैसा कमा चुके होते हैं। जिन्होंने फर्स्ट वाला सीज़न नहीं देखा हो उनको मैं एक बार बता दूँ, फर्स्ट वाला सीज़न आप देख ही लेना और याद है अकेले में देखना, फैमिली के साथ देखने की गलती मत कर बैठना। अगर गलती से भी आपने फैमिली के साथ देख लिया तो उसके बाद आपके बहुत बड़े लगने वाले। जिनको क्राइम, एक्शन, थ्रिलर कंटेंट देखना पसंद हो तो उनके लिए अपहरण, सेक्रेट गेम, उसका फर्स्ट वाला सीज़न, दिल्ली क्राइम, हॉस्टेज, ऐसी बहुत सारी सीरीज है, उनको आप एक बार जरूर चेक कर लेना। मिर्जापुर को लेकर मेरी राय आप लोगों ने तो सुनी ली है, अब बारी है आपकी। तो आपको क्या लगता है, सेकंड सीज़न फर्स्ट वाले सीज़न को टक्कर देगा या फिर नहीं? और भी आपकी राय आप कमेंट में ज़रूर बता देना। देखते हैं 23 अक्टूबर को क्या रंग लाता है सेकंड सीज़न, उस पर भी हम बात करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।